कृष्ण, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम बात करेंगे आपसे सिंह राशि के बारे में कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, आपके घर में नए मेहमान के आगमन की क्या स्थिति रहेगी और नए मेहमान के साथ साथ आपके घर में शुभ विवाह की क्या स्थिति रहेगी, सब भी आज हम आपको बताएंगे। आपको क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय क्या करने हैं और आज आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सब हम आपको आज बताएंगे और आपके प्रगति की दिशा क्या होगी ये सब बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज आलस्य का परित्याग करें। बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, माली हालत अच्छी होगी, चतुर्दिक विकास से मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीदने का सर्वोत्तम समय चल रहा है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका समय अच्छा है। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में कोई प्रतियोगी परीक्षा दिए हैं तो उसमें आज आपके पक्ष में परिणाम आने की संभावना दिख रही है। रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, हेल्थ और वेल्थ को लेकर के जो आपका तनाव है वो समाप्त तो होने वाला है। परिवार में नए तरह के कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। भाई बहनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यदि आपका भाई कोई अविवाहित है बहन, तो अगर कोई भाई या बहन अविवाहित है तो उसके विवाह का भी योग बन रहा है। घर में शुभ कार्य, नए मेहमान के आगमन की सूचना मिलने का शुभ संकेत मिल रहा है। माता पिता का सुख मिलेगा और नौकर का भी सुख मिलेगा। वाहन गाड़ी इत्यादि भी खरीदने का योग बन रहा है। यदि आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, कंस्ट्रक्शन में अगर पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो आप एकदम अभी रुक जाइए, नहीं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना बन रही है। यदि साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें भी आज आपको नुकसान हो सकता है। पत्नी से थोड़ी वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में चिंता की भी स्थिति हो सकती है। पदोन्नत की भी संभावना बन रही है। माली हालत आज आपकी अच्छी होगी। नए तरह के कार्यों के करने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा और आज दूर देश की यात्रा, विदेश यात्रा, आयात निर्यात, इस तरह के कार्यों से आज आपको धन लाभ मिलेगा और जो आपका बहुत दिन से रुका हुआ धन जो नहीं मिल रहा था वो धन मिलने की भी संभावना बन रही है, उसमें आज आपको प्रोग्रेस का दिख रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतने की आलस्य का परित्याग करना। आलस्य की वजह से आपके काम रुक जाते हैं। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय करना है कि ओम ग्रेड़ी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है और गौशाला में जाके रोटी और गुड़ आप खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको आपके लिए शुभ अंक 5 है और शुभ रंग लाल है। हरे कृष्ण।